हेलो स्टूडेंट्स, बिरला स्कूल आपका स्वागत करता है। आज हम सभी क्लास थ्री के कार्य पत्रिका 17 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि एक वचन और बहुवचन के बारे में लिखिए। तो वचन का डेफिनेशन हमने ऊपर देख लिया कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होंगे? दो, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहला दे रखा है एक वचन। तो जिन शब्दों से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, घोड़ा, ये एक है। बहुवचन मतलब बहुत सारे, यानी कि जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कलमे, घोड़े, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जो राइट है वो यहाँ पे फील करना है। तो गेंद से खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। हमें प्रतिदिन एक क्या खाना चाहिए? सेब खाना चाहिए। मछली पानी में रहती है। हमें प्रतिदिन हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो हमने यहां से इसको यहाँ पे जो राइट है वो फील कर दिया। अब दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के आगे सही और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जब भी हम किसी को आदर देते हैं तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पानी शब्द का वचन नहीं बदलता, बिल्कुल पानी शब्द का कोई वचन नहीं बदलता, वो वैसे ही रहता है। एक से अधिक वस्तुएं बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। हाँ, एक से ज्यादा वस्तुएं होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। वचन के चार भेद होते हैं, नहीं ये गलत है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।